हेलो एवरीवन वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया माय नेम इज देव इस वीक का भी जो लाइव मार्केट सेशन है वो कंडक्ट में नहीं कर पाया हूँ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम बट मोस्ट प्रॉब्बली लास्ट वीक की तरह ही जो संडे या मंडे को हमने लाइव सेशन कंडक्ट करा था जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन एंड क्यूरीज पूछ सकते हो वो इस वीक भी मैं एज़ यूजल कंडक्ट कर दूंगा जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपका कोई क्यूरी मार्केट के रिगार्डिंग या वेव एनालिसिस या वेव ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चन एंड क्यूरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं जो मोस्ट प्रॉब्लम आंसरिंग इन द सेशन सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग मार्केट से स्टार्ट करते हैं मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपको इस वीडियो में अपडेट कर देता हूँ बाकी बातें हम लोग लाइव सेशन में कर लेंगे लास्ट वीक में निफ्टी की बात करूँ तो हम लोगों ने बात की थी डिस्कस किया था जो लेवल्स थे रेफरेंस के लिए मैं बता दू ट्रेंड लाइन के हम थे लेफ्ट साइड में एंटिसिपेशन हमारी की थी मोस्ट जब एंटिसिपेश हाँ मार्केट आ जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्रेश हाइज एंड वो एंटिसिपेट करेंगे बट फर्स्ट रेफरेंस हमारा अठारह का होना चाहिए सत्रह की उस टाइम प्राइस चल रही थी राइट right नाउ प्राइस देखो तो 18,102 पे आप खड़े हो मोस्ट प्रॉब्लम आप 300 तक तो नहीं पहुंचे हो क्योंकि साइडवेज मार्केट है अभी आपका पर पर आप और पहुंच कैपेबिलिटी है जो scenarios है, मैं ओवरऑल ट्रेंड जो ट्रेडर्स में देख रहा हूँ वो ये कि अब ट्रेडर्स जागरूक हो रहे हैं ट्रेडर्स अवेयर हो रहे हैं कि मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट बाय एंड सेल बिलो थिंग अगर मार्केट में charts पर पैटर्न्स को अगर स्टडी करें तो रिजल्ट्स जो वेव एनालिसिस दे सकते हैं एंड दिस इज द रीजन वी फॉलो द वेव एनालिसिस आप यहाँ पे स्नैपशॉट देख सकते हो ये ट्रेडिंग रूम के सेशन का है प्राइवेट ग्रुप का है यहाँ पर तारीख 10 नवंबर को हम इस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर पैटर्न को सही से स्टडी कर लें आप ये जो पैटर्न एंड सीन सिनारी यहाँ पर देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊँ तो यहाँ पर पंद्रह मिनट का है इफ़ यू डिलीट दिस समवेयर यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर डिलीट कर दें और पैटर्न को अगर सही से स्टडी करें तो ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज आई वॉज एबल टू गिव टू माई ट्रेडर्स इन आवर ट्रेडिंग रूम कि वी कैन गो अप देन वी कैन कम डाउन वी कैन टेक अ सपोर्ट अराउंड द ट्रेंड लाइन एंड देन वी कैन गो बैक अप इतने से स्नैपशॉट में आप यहाँ पर देखोगे कि वन टू थ्री फोर फाइव पांच मूव आप एंटिसिपेट कर सकते हो अगर आप वेव्स को स्टडी कर लो आपको यही एडवांटेज बताया किसी से बात हो रही थी मुझसे कंफर्म वो ट्रेडर्स कर रहे थे किस हिसाब से बन रहा है अगर हम यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे फ्रॉम दी लास्ट अपडेट तो निफ्टी में अभी के लिए तो कुछ भी बदलाव नहीं है आप इसी वेव से हमारी जो एंटिसिपेशन है आई थिंक यही एंटिसिपेशन है और अगले दिन भी अगर मैं बात करूं 11 नवंबर को भी मैंने यही अपडेट अपने ट्रेडर्स को करा कि अभी के लिए जो रेफरेंस है ये सपोर्ट देखिए और यहाँ के बाद ये पीस देखिए वन फोर फाइव एंड नेक्स्ट पॉसिबल अप वेव इन दिस जो हमारे ट्रेडर्स है उनकी कईयों की बाइंग्स एग्जैक्टली यहाँ पर है तो उन लोगों के लिए ट्रेड मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर 18300 के लेवल के आसपास हम लोग जा रहे हैं अगर आप फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना अभी के लिए ये मार्केट से आप साइडवेज एंटिसिपेट करें और इस वेव से आप एंटिसिपेट करें कि जब तक आप यहाँ पर सत्रह का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहता है 18,300 जो लेवल हमने लास्ट वीक डिस्कस किया है, वही आप प्ले आउट करेंगे Now, जब आप पे आ जाएंगे, तो फर्दर जो एंटिसिपेशन रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पैटर्न है इसके बेस पर आप स्टडी कर, कर यहाँ पर देख सकते हो कि वी कैन गो अपन मोर डाउन एंड देन गो बैक अप जब मार्केट में यहाँ पर आ जाओगे तो ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बेस पे देख रहे हो जो यहाँ से शुरू हुई है यहां से लेके यहाँ तक की जो भी डाटा आएगी उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट पॉसिबल मूव वहां से डिस्कस कर सकते हैं पर जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है मोस्ट प्रॉबली ये जैसे मैंने आपको बताया सिक्सटी परसेंट लास्ट वीक भी इट्स हेल्पिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स इफ द कंसोलिडेशन इज फाउंड इज इज अ दिस वे सो दैट इज वट वी कैन एंटिसिपेट पर इस वीक के लिए आप अभी ये एंटिसिपेट करें फर्दर कंसल्टेशन फर्दर फ्रेश करेक्शन पर फ्रेश पोजिशन बनाई जा सकती हैं जो ट्रेडर्स एडवांस हैं और ऑलरेडी यहां से हैं आप बस ट्रेड को मैनेज करें सत्रह हजार नौ सौ के लेवल पर ध्यान दें इसके अलावा अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एंड वीकर है देन निफ्टी पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा इस वीक निफ्टी से हम लोग क्लू लें और जब निफ्टी 18,300 के लेवल पर आ जाए तब आप यहाँ पर देखें कि इस वेव की क्या कंडीशन है क्योंकि जो मैंने आपको करेक्शन वहां पर बताया है 18,300 का स्पेशली ये वाला जो करेक्शन है ये बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन इज वेरी मच पॉसिबल कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है यहां पर ये हाईस के बाद एक और डाउन यहां पर आ जाए एंड उसके बाद आप एंटिसिपेट करो फर्दर कंसोलिडेशन सो बैंक निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह से भी दिख रहा है दैट मीन्स कि अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है या फिर डायरेक्शन वाइज बैंक निफ्टी में सपोर्ट देखना है तो मेरे हिसाब से निफ्टी से क्लूज लेना चाहिए और इस वीक अगर बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली जो सपोर्ट्स हैं आपके 38,200 के आसपास है एंड रजिस्टर्स इस मार्केट के काफी करे हुए हैं विच इज अराउंड 39,500 पर इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि एक इस ट्रेंड पर भी आप इस वीक नजर दें अगर इस मार्केट में आप लोग लेफ्ट साइड में हैं तो मोस्ट प्रॉब्लम आप इसमें फ्रेश बाय

वो इंटरनली 15 मिनट्स पे फेज आउट हो सकते हैं सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस वीक स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर पर निफ्टी के हिसाब से देखें तो पूरे क्लोज अगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी सपोज करें यहाँ पर करेक्शन के बाद फर्दर अपसाइड दे रहा है दैट मीन्स की जो बैंक निफ्टी है वो टोटली totally डाउन नहीं जा रहा है द मोस्ट प्रॉब्लम बैंक निफ्टी कैन डू इट कैन गो

एंड उसके अलावा इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल होती है जस्ट इन केस अगर आप लाइव ज्वाइन उस टाइम ना कर पाए तो आप ड्यूरिंग द डे अपना प्लान उस तरह से प्लान कर सकते हैं फॉर द फर्दर ट्रेडिंग सेशंस सो लाइव मार्केट में अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो यू कैन वेलकम टू अवर प्राइवेट ग्रुप बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन द मेन जो भी हमने आज डिस्कस किया है यू कैन एंटिसिपेट दैट इन कमिंग वीक्स एंड इसी के साथ आप सभी से मैं लाइव सेशन में मिलता हूँ विद डैट सट डन गाइज ट्रेड विद केयर एंड स्पेंड टाइम विथ यूर फ्रेंड्स एंड फैमिली थैंक यू सो मच